नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ की शानदार क्लास में। मैथ के चुनिंदा प्रश्न हैं, 15 क्वेश्चन लिए हैं और बहुत जल्द 10 से 15 मिनट में हम वीडियो को समाप्त करेंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक। 7 संख्याओं का औसत 18 है, इनमें से एक संख्या 17 और उसे 31 में बदल दिया। देखिए औसत हमारा कितना था, 18। अब संख्या एक 17 को 31 में बदला गया तो कितने बढ़ गए, 17 को 31 में बदलेंगे तो 14 बढ़ गए। 14 बढ़ गए हैं इनका, 17 से 31 करोगे तो 14 बढ़ जाएंगे। और संख्याएं थी 7, इसमें 7 का भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, 2 बड़े 2 और इसमें जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर आ गया 20, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम स्पीडली चल रहे हैं, अगर आपको समझ में ना आ रहा तो वीडियो स्लो करके देख लें आप, ठीक है। एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, उस पर नकद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है, उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा। देखिए 25% अधिक मतलब 100 में 25 अधिक तो कितने हो जाएंगे, 125, ठीक है। और 10% फिर कम कर लेता है, यानी 100 में 10 कम तो कितने हो जाएंगे, 90/100, 10 से 10 काट दिया। अब ये गुणा कर लीजिए, 9 पना 45 की 5 और 9 दूनी 18 और 4 22 और 9 1 9 और 2 11 और यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 112.5। ये 0 बचा हुआ है तो इसके वजह में यहाँ दशमलव आ जाएगा। 112.5 रुपए हुए कितने पे, 112.5 रुपए की जो है ये दशमलव लगा हुआ है यहाँ पर हल्का सा, ठीक है। अब पहले कितने की थी वस्तु, 100 रुपये की थी तो कितना लाभ हुआ, 100 रुपये की वस्तु थी, अब 112.5 यानी 112.5 रुपये क्योंकि, तो 12.5 रुपये लाभ हुआ, 12.5, ऑप्शन हमारा 3 जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप बताया जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है तो 400 का हम ले लेंगे वर्गमूल, ठीक है। क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर है 400 वर्ग मीटर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 400, तो ये अंडर रूट 400 का आ गया 20, ठीक है। अब परिमाप होता है 4a, तो परिमाप 4a तो इसका मतलब 20 और गुणे 4 भी चुकू 80 हो गया परिमाप, कोई ऑप्शन है 80 नहीं दिया, वेरी गुड। परिमाप बताओ, ये 40 वाला 80 कर लीजिए भाई, सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है 80 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.8 और 0.2 का तीसरा अनुपात ही बताइए। 0.8 अनुपात 0.2 समानुपात 0.2 अनुपात यक्स। अब देखिए पहली अंतिम गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0.8x बराबर 0.2 × 0.2। अब ये हो गया x बराबर, हम क्या निकालेंगे, 0.2 × 0.2/0.8, ये हमारा कितना आ जाएगा गुणा करने के बाद में, ये गुणा करने के बाद में 2 दूनी 4 यानी 0.04/0.8, ठीक है। अब इनका दशमलव अगर हम हटाएंगे तो नीचे एक बिंदी बढ़ जाएगी, ये तो ये 4 4 ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 1/20, 1/20, तो ये आ रहा है 1/20 आ रहा है, 1/20। अब ये आ जाएगा 0.,  भाग जाएगा नहीं, भाग का भाग 0.005, ये वाला ऑप्शन सही जाएगा 0.0। 1/20 को जब हम काटेंगे भिन्न में तो 0.05 आ जाएगा। नेक्स्ट है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, देख लीजिए पहले, वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज बनाया जाए और वो ऐसा चतुर्भुज हो जिसके सभी कोने
परिधि पर स्पर्श कर रहे हों, ये सारे कोने परिधि पर स्पर्श कर रहे हैं, तो वो चक्री चतुर्भुज होता है। कैसा होता है वो? ऐसे वृत्त के अंदर इसके सभी कोने परिधि से स्पर्श हो रहे हों, चक्री चतुर्भुज होता है। और इसके सम्मुख कोण यानी ये दोनों कोण 180 अंश होंगे, और ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो सम्मुख कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन में कितने आधे हैं? अरे तीन में भैया कितने आधे होंगे, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे दिया है। आधे आधे छः बार जोड़ोगे तीन हो जाएंगे। तीन में एक में दो आधे होते हैं, तीन में छः आधे हो गए। अगला है, एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीज़ को खरीदने और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। वेरी गुड। 10% का खरीदने में और प्लस 10% का बेचने में, प्लस 10 × 10/100, ठीक है? तो एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, तो ये क्या हो गया? 20 और प्लस एक वाला होना एक, एक बचा, तो ये 21% का लाभ हो रहा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर दो सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर, खेत के बाहर चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये रहा आयताकार खेत। अरे भाई, ये रहा आयताकार खेत। ऐसा करके हमने आयताकार खेत बना दिया। अब इसकी ये वाली भुजा 30 मीटर है और ये वाली भुजा 20 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा, बाहर 1 मीटर चौड़ा रास्ता हमने बना दिया। तो 1 मीटर इधर बढ़ गया, 1 मीटर इधर बढ़ गया, 1 मीटर इधर बढ़ गया, 1 मीटर इधर बढ़ गया। तो पहले इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी, अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई? अब इसकी लंबाई चौड़ाई 30 थी, एक इधर बढ़ी एक इधर बढ़ी, तो हो गई ये 32। 32 लंबाई हो गई और गुणे चौड़ाई 20 थी, एक इधर बढ़ गई और एक इधर बढ़ गई, तो ये हो गई 22, ठीक है? और माइनस ये और इसमें माइनस हो जाएगा 30 × 20। अब इनका गुणा कर लीजिए, 32 और 22 का गुणा करेंगे तो कितना होता है? 32 22 का होता है 704, और 30 20 का होता है 3 × 6, ये होता है 600। तो ये आ रहा हमारा इस अंतर, 704 में से 600 घटाएंगे 104 आ रहा है। 104 कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता दें आपको, जब भी रास्ता बाहर हो, रास्ता कहाँ है? बाहर, तो फिर हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई में जितना चौड़ा रास्ता होगा उसका दोगुना जोड़ देंगे। अब जैसे यहाँ 30 20 और 30 का गुणा करके हमने रख लिया कितना? 600, ठीक है? अब जोड़ना है तो हम ऊपर से करेंगे, और यहाँ पर क्या है, 20 की जगह पर 22 और 30 की जगह पर 32, इनका गुणा 704, घटा दीजिए 104 आ गया हमारा उत्तर, ठीक है? जब भी ऐसी स्थिति हो, जब भी रास्ता बाहर हो, तो लंबाई तो रास्ते का चौड़ा दोगुना जोड़ देते हैं लंबाई और चौड़ाई में। दूसरा सेम सवाल है, देखिए, यदि आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर चौड़ाई 30 मीटर, इसके अंदर, इसमें रास्ता अंदर है, अंदर रास्ता होगा तो हम घटा देंगे। इसमें भी वही करना है, 30 × 40 = 1200, ठीक है? और इधर क्या करना है, 40 में से 30 में से 2 घटाने हैं तो कितने बचे? 28 गुणे 40 में से 2 घटाने हैं तो कितने बचे? 38। इनका गुणा करेंगे 28 और 38 का, तो हमारा आंसर 28 और 38 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा, एक हज़ार और चौंसठ। इनको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 136। 136 हमारा ऑप्शन ये सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 20 दिन में, बी वही कार्य 40 दिन में कर पूरा करता है, दोनों मिलकर कार्य करें 5 दिन में, दोनों मिलकर कार्य 5 दिन में करें, तो उस कार्य में कितना भाग शेष रह जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन है। देखिए, दोनों ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का होगा 1/20 और बी का एक दिन का होगा 1/40, ठीक है? और दोनों का 5 दिन का कितना हो जाएगा? हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे।
और काम कितना था, पूरा एक एक में से इसे घटा देंगे, कोई भी काम एक ही होता है, इसी को हल कर लीजिए। अब ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर हमने एलसीएम 40 ले लिया है तो ये ऊपर आ जाएगा, 40 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 दो और प्लस एक, तो ये हो गया हमारा 3/40, 3/40, और गुणे इधर 5 पहले से है, 15/40 हो गया, तो ये हो गया 1 -15/40, 5 3 15, 5 8 40, ये हो गया हमारा 3/8, 1 -3/8, अब तो ये हो जाएगा 8 -3/8, ये हो गया है 5/8, ठीक है, 5/8 हमारा ऑप्शन नंबर एक सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संख्याएं दी हुई हैं, इनमें इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इकाई का अंक का हम गुणा कर लेंगे, 0 × 1 × 2 × 3, यही तो है इकाई का अंक, इसमें 3 इकाई का अंक है, इसमें 2 इकाई का अंक है, इसमें 1 इकाई का अंक है, इसमें 0। अब 0 का गुणा जिस संख्या में हो जाएगा वो सारी संख्याएँ 0 हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्याएँ हैं 71 × 33 × 12, में इकाई का अंक पूछा, तो हम क्या करेंगे, 1 × 3 × 2, 2 3 6, 6 × 6 इकाई का अंक 6 हो जाएगा, ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर 0 है और 0 गुणा करेंगे तो सारी संख्याएँ 0 हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार रुपया 64 हज़ार में बेचने पर 20% की हानि हुई, उस कार का लागत मूल्य बताएं। देखिए कितना सिंपल सवाल है, 64 हज़ार रुपये हैं और उसमें 20% की हानि हुई है, यानी लागत मूल्य, लागत मूल्य पूछ रहा है, जब लागत मूल्य पूछेगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे और बटे में 20% घटे हैं तो 80 का भाग दे देंगे, और जब लागत मूल्य दिया हो तो इसी संख्या को उल्टा कर देंगे, 80 ऊपर कर देंगे, 100 नीचे कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया ये। अब हमारे पास क्या बचा, 10 बचे हैं, काट दीजिए, 5 2 5 10, सॉरी 2 5 10 और 2 4 8, 4 से काटिए इसको, अरे एक मिनट, सीधा सीधा कट रहा है, इतना उल्टा काहे काट रहे हैं, दोबारा देख लीजिए, ये 64 हज़ार हैं, 64 हज़ार × 100 और बटे में क्या आएगा, 20, 20 का मतलब 20% हानि हुई, यानी 100 पे 20 की हानि हुई, तो कितने बचे, 100 में 20 चले गए, 80 बचे, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 8 64, यहाँ 8 बचे, 3 0 ये उतार लीजिए और 1 0 ये वाला उतार लीजिए, क्या कितना हुआ, 80 हज़ार, 80 हज़ार ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में 31 मतलब कर्मचारियों ने कर भुगतान कर दिया, एक वर्ष कोई वर्ष होगी उसमें 31% कर्मचारियों ने कर भुगतान कर दिया और कर न देने वाले कर्मचारी 20,700 हैं, कुल कर्मचारियों की संख्या, अब देखिए 31% कर्मचारियों ने कर भुगतान कर दिया, 100 में 31 ने कर दिया तो कितने बचे, 100 में 69 कर्मचारी बचे जिन्होंने नहीं किया, तो 69 बराबर कितना है, 69 बराबर है 20,700, यही तो है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 20,700/69, और 100 बराबर के लिए इसमें गुणा करेंगे, 100 का हमें 100% आंसर चाहिए तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे। अब इसको काट दीजिए भाई, काटने से कितना आ रहा है, ये 207 हैं तो 3 6 18, ये 6 बार जाएगा, इसमें 6 का गुणा कर, 6 कितना है, 3 3 बार जाएगा, 3 9 3 27 और 3 9 27, 3 6 18 और 2 20, 207 आ गए, तो ये 3 बार भाग चला गया, यहाँ 3 आ गए और ये 2 0 आ गए और ये वाले 2 0, तो कितना हो गया, ये 30,000, 30,000 ऑप्शन नंबर 3,
चलिए निम्नलिखित में को हल कीजिए। 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 हमें भाग, 3/4 इनको हल करना है। तो देखिए पहले हम भाग करते हैं, 1/2 और प्लस 1/2, और भाग की जगह पर गुणा लगा देंगे, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की ऊपर। अब हमारे पास संख्या आ गई है 1/2 प्लस 4 × 4 और 3 × 2 = 6, एलसीएम आ गया 6। अब 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3 प्लस 6 × 1 = 6 और ये 4 × 4 = 3 7/6। 7/6 आंसर कोई है इसमें? नहीं है भाई, सबरे आंसर कर रहे हैं, आंसर आएगा 7/6। चलिए इस इन ऑप्शनों को गलत हैं सबरे ऑप्शन, 7/6 हमारा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो दशमलव 2 × 0.2 का मान बताइए। अब देखिए 2 × 2 कितने होते हैं 4, और दशमलव के एक अंक इधर है, एक अंक इधर है, दो अंक चाहिए हमें, तो यहाँ हम 0 बढ़ा लेंगे, हमारे पास 2 अंक नहीं है, 0.04 आ रहा है, 0.04 ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। ये रहे 15 क्वेश्चन हमारे मैथ के, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, चुनिंदा प्रश्न।